नगर निगम की कर्मचारियों की ऐसी शर्मनाक करतूत सामने आई है जिसको देखकर आपके आंख से भी आंसू निकल पड़ेंगे और आप भी निगम की इस करतूत की निंदा करेंगे। दरअसल इंदौर में शुक्रवार दोपहर को एक वीडियो वायरल होने से शहर में हड़कंप मच गया। वीडियो देश की सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का है। इसमें दिख रहे लोग नगर निगम के हैं जिन्होंने शहर को नंबर वन बनाने में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि वीडियो को देख यकीन नहीं हो रहा है कि यह अमानवीय चेहरा नगर निगम कर्मियों का है। आरोप है कि इंदौर के वृद्ध भिखारियों को निगम के डंपर में भरकर शिप्रा सीमा पर छोड़ा जा रहा था, लेकिन सड़क पर उतारते वक्त गांव के लोगों ने घेर लिया और इन्हें वापस ट्रक में बिठा दिया। तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो से नगर निगम के अधिकारियों की भी होश फाकता हो गए। देश के सबसे स्वच्छ शहर में बुजुर्गों के साथ हुई ये घटना शहर पर एक बड़ा दाग लगा रही है। अधिकारियों की नजरों में भी इस घटना को बेहद शर्मनाक है, लेकिन बुजुर्ग लोगों को शहर से बाहर ले जाने का किसने निर्देश दिया ये जांच का विषय है। लेकिन निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने आनन फानन में दो मस्तर कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। निगम आयुक्त ने मस्तर कर्मी ब्रजेश लश्करी और विश्वास वाजपेयी की सेवा समाप्त कर दी है। निगम कमिश्नर ने साफ किया है कि मामला संवेदनशील है और जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। वहीं निगम आयुक्त ने एक टीम को बुजुर्ग लोगों की तलाश में रवाना किया, जिसमें से कुछ बुजुर्ग शहर की सीमा से सटे ग्रामीण इलाकों में मिल गए हैं। एक तरफ जहां इंदौर शहर ने स्वच्छता में लगातार चौका लगाकर देश भर में परचम लहराया है, उसके बाद निगम कर्मियों की ऐसी लापरवाही शहर को शर्मसार कर रही है। ऐसे में जरूरी है कि दोषी निगम कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके। वीडियो वायरल हुआ है, क्या है उसकी सच्चाई, क्या कहेंगे? जैसा कि आप देख रहे हैं इन दिनों बहुत ठंड पड़ रही है और परंपरागत रूप से भी ये निर्देश स्थायी रूप से हैं कि ऐसे लोग जो सड़कों के किनारे या फुटपाथ पे हैं तो उनको रैनबसेरा ले जाया जाए। और अभी आयुक्त महोदय के बड़े कड़े निर्देश हैं कि इस तरह के ठंड आदि को देखते हुए रात में या मॉर्निंग आवर्स में कोई ऐसा दिखता है तो उसको रैनबसेरा ले जाएं, उसको रैनबसेरा में छोड़े और यही कार्रवाई की जाती है। अभी जो सामने आ रहा उसमें रैनबसेरा ही छोड़ने जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो प्रारंभिक तौर पर लग रहा है कि कुछ मिसहैंडलिंग हमारे लोगों ने की होगी या उसके कहने पे कुछ कहीं सीधे रैनबसेरा क्यों नहीं पहुँचे, तो हमने अभी तत्कालिक कार्रवाई करते हुए हमारे दो कर्मचारी जो वहाँ थे उनको सेवा से पृथक कर दिया। मैं आपको नाम देता हूँ एंड शेष पर हम लोग उसमें और तहकीकात कराएंगे। श्री ब्रजेश लश्करी और विश्वास वाजपेयी, ये दोनों रैनबसेरा कर्मचारी हैं, इन दोनों को सेवा से पृथक कर दिया। किसके आदेश पे लेके गए थे शिप्रा तक इन लोगों को? ये अभी आप कहाँ लेके क्या लेके पूरी जांच करते कि विभिन्न स्थानों से ये लोग ऐसे लोगों को लेकर रैनबसेरा छोड़ते और यही निर्देश है। और आप देख ही रहोगे 10 रैनबसेरा नगर निगम के हैं और राम उस पर नियमित रूप से सारी व्यवस्थाएं रहती है, आपने खुद देखी होंगी। प्रताप सिंह सोलंकी के निर्देश पे इसमें मेरा अनुरोध यह है कि अभी तत्कालिक जो मिसहैंडलिंग जिन लोगों ने की है ठीक से सीधे रैनबसेरा ले जा गए हैं उनको हमने दोनों को सेवा से बर्खास्त कर दिया और बाकी हम जांच कराएंगे। सर इनसे कुछ बात हुई है क्या, क्यों गए थे वहाँ पे, किस लिए और कब निकले थे? सर किसके निर्देश पे थे? मैं इसकी पूरी जांच कराएंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। अभी तात्कालिक रूप से जो लगा प्रथम दृष्टा उनको हमने सेवा से पृथक कर दिया। वहाँ से लाने के बाद क्या छोड़ा इन लोगों को? मैं बाकी सब आपको तहकीकात के बाद बताऊंगा। सर ये क्या प्रताप सोलंकी पर भी कार्रवाई हो सकती है अगर वास्तविक? अभी अभी जांच कर लेते फिर आपके सामने लगभग। इसके पूर्व भी प्रताप सोलंकी निलंबित हो चुके हैं लापरवाही बरतने के कारण और एक बार फिर चर्चा में है। मैंने आपसे कहा ना कि इस पर जांच करा लेते हैं और बहुत जल्दी तफ्तीश पूरी हो जाएगी और फिर आपको यह बताने की स्थिति में है कि वे सब बुजुर्ग जो शिप्रा ले जाए गए थे वे इस समय कहाँ पर है? मैं पूरी जानकारी मिलने पर आपको अवगत कराऊंगा। अभी हमने तात्कालिक रूप से कार्रवाई की है और उन दोनों को निलंबित कर दिया और नगर निगम का आप जानते हैं बहुत संवेदनशीलता है इसको लेके, रैनबसेरा को लेके और बुजुर्गों के लिए। गाड़ी चला रहा था ड्राइवर, इसकी भी गलती मानी गई है। हमने जो प्रारंभिक जांच की उसमें हमको ये दो कर्मचारियों का ठीक से व्यवहार न कर पाना और उनको सीधे रैनबसेरा ले जा पाना पाए जाने से हमने उनको सेवा से पृथक कर दिया। ले जाई गई तो ड्राइवर की भी तो गलती मानी। इसमें हम और डिटेल जांच कर लेते हैं। सर ये क्या मस्टर कर्मी है, किस पद पे? दोनों मस्टर कर्मी है।
इसलिए सेवा से पृथक किया गया। सर ये आज आज जो इनको ले जाया गया है इसकी जानकारी आपको थी या बताया गया था आपको? नहीं, आप स्थाई निर्देश ही है कि रेन बसर ले जाना है तो कहीं जाने का सवाल ही नहीं उठता। वीडियो वायरल हुआ है, वीडियो वायरल में ये सब चीजें दिखाई गई है, इसके पहले भी इन लोगों ने अगर ऐसी हरकत करी हो या फिर कहीं जो बुजुर्ग उनको कहीं और छोड़ा हो तो इसकी भी कुछ नहीं सवाल ही नहीं उठता। मैं ये विश्वास करने मान नहीं सकता क्योंकि ये बड़े स्थायी निर्देश, बड़ी संवेदनशीलता है नगर निगम के सबके बारे में कि ऐसे लोगों को ले जाके, और आयुक्त महोदया खुद निर्देश देती हैं कि ऐसे लोगों को सीधे रैन बसेरा ले जाए। सर वीडियो देखें? हाँ देखा है। उसमें लगता है कि अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है निगम कर्मियों द्वारा? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता कुछ मिसहैंडलिंग हुई है जिस बाकी से उठाया जा रहा है। बाकी हम गाड़ी में हम बाकी डिटेल जांच करके इसको और आपको अवगत कराएंगे। ठीक है, अभी कहां है कहीं पता है इसमें और पता कर लेते हैं।